नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। कल जिस तरह से बिहार विधानसभा में देखा गया कि विधायकों के साथ पुलिस ने बर्बरतापूर्ण मारपीट की, उसके बाद से लगातार मामला ये बढ़ता जा रहा है। ये आज बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन देखिए किस तरह से तमाम जो विपक्षी पार्टी के विधायक हैं वो आज बाहर बैठे हुए हैं, यानी कि सदन में नहीं हैं, और तमाम नारेबाजी कर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से पुलिस को सदन में घुसा करके तमाम विधायकों के साथ, जो विपक्षी पार्टी विधायक उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है, उनके साथ लात घूसों के साथ मारपीट की गई है, उसको लेकर के लगातार हाथ में काली पट्टी और आंख में काली पट्टी बांध करके नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से कल तमाम जो विधायकों को चोट आई है, कई के विधायक के हाथ टूट गए हैं, कई विधायक बेहोशी के हालत में थे, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसके बाद से लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमला करते रहे हैं। आपको बता दें राबड़ी देवी ने भी ट्वीट किया था और नीतीश कुमार को तानाशाही सरकार बताया था। और आपको तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे इस तरह से सदन के जो बाहर तमाम जो विपक्षी पार्टी के विधायक मौजूद हैं, उन्होंने आज सदन का बायकॉट किया है और वो सदन के बाहर बैठे हुए हैं। देखिए तमाम विधायक हैं, राजद के विधायक हो या फिर वाम दलों की बात करें, वाम दलों के विधायक हैं या फिर कांग्रेस के विधायक की बात करें, तमाम यहाँ पे विधायक बाहर में बैठे हुए हैं। आज उन्होंने आज हम आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पुलिस बल का जो विधेयक पारित होना था वो तो पारित हो गया, लेकिन विधायक अभी भी धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से उनके साथ मारपीट की गई है बर्बरतापूर्ण, उसके बाद लगातार राजद के विधायक हैं वो नीतीश कुमार को चूड़ियां भेज रही है। जो महिला विधायक के साथ मारपीट की गई, यहां तक ऐसा वाक्य आ गया, ऐसा नज़ारा देखने को मिला कि विधायक की जो महिला विधायक थी उनके साड़ियाँ तक खुल रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस नहीं समझ पा रही थी कि महिला के साथ इस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो आप तस्वीर में देखिए किस तरह से ये नज़ारा है बिहार विधानसभा के परिसर का, जिसमें जो तमाम विधायक मौजूद हैं, विपक्षी पार्टी के विधायक हैं। आइए कुछ विधायक से बात करने की कोशिश करते हैं। अजीत कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं, भाकपा माले के विधायक। सर बताइए किस तरह से नीतीश कुमार की सरकार को देखते हैं आप? नीतीश कुमार के कल की घटना ने ये बिहार के अंदर लोकतंत्र को खत्म करने का आह्वान किया। जिस तरीका से बूटों तले सदन के अंदर लोकतंत्र को रौंदा गया, उसने नीतीश कुमार के आगे आना, उठ के आप बोलिए ना कि अध्यक्ष महोदय, बिहार में लोकतंत्र के खात्मे की शुरुआत हो गई है, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। कल भी हमने किया था, ये इतिहास में पहली बार देखा गया है कि सदन के अंदर पुलिस को बुलाया गया। बिल्कुल ये पहली बार हुआ है और ये सदन की गरिमा के खिलाफ है, माननीय सदस्यों की गरिमा के खिलाफ है, और सबसे बड़ी बात है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खिलाफ है, इसलिए हम इसके खिलाफ है। हम बहुत सिंपल सी बात कर रहे थे भाई, ये कानून है उस पर बात विवाद करा लो, बाजी करा के पास करा लो, लेकिन नहीं, वो जबरदस्ती लगे। नीतीश कुमार विधायकों को माननीय कहते हैं, वही माननीय को लाठी डंडे से पिटवाते हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, पुलिस को, डीएम को, एडीएम को बुला करके बोलने वाला इधर है विधायक, हमले करवाए गए, हमले करवाए। अरे इधर इधर मुंह करिए, इधर आपसे मेरी बात होगी। तो आपने देखा कि भाकपा माले के विधायक क्या कह रहे थे कि लोकतंत्र को तार तार किया गया। जिस तरह से लगातार आपको हम बता रहे हैं कि नीतीश कुमार तमाम विधायकों को माननीय कहते हैं, लेकिन माननीयों के साथ इस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार क्या नीतीश कुमार को शोभा देता है? नीतीश कुमार का जो कार्यकाल की हम बात करें तो शांत स्वभाव का उनका कार्यकाल रहा है 2005 से ही, लेकिन 2021 आते हैं तो उन पे इतना गुस्सा हावी हो गया है। ये तमाम विपक्षी पार्टी हैं उनको संघी कहने लगे हैं और कहने लगे हैं कि विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। जो पुलिस विधेयक लाया गया है उसे आवाज़ को दबाया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें, इससे पहले भी सोशल मीडिया पर रोक लगाने के लिए उन्होंने एक नियम लाया था कि अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ लिखते हैं तो आपको जेल हो सकता है। उसके बाद अब विपक्ष पर कार्रवाई करने के लिए, विपक्ष पर शिकंजा कसने के लिए सत्ता पक्ष द्वारा ये बिल लाया गया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि पुलिस अब किसी को भी, यानी कि जो कि स्पेशल पावर जिसे दिया गया है बीएमपी पुलिस करेगी, और वो और किसी को भी शक के गुनाह पर भी उसे गिरफ्तार कर जेल भेज सकती है। तो देखिए ये नज़ारा है बिहार विधानसभा की, तस्वीरें हैं, जो विपक्ष तमाम विधायक हैं वो बाहर निकले हुए हैं। लगातार जुड़े हैं भारत लाइव से, फिर जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816।